घर तेरा घर मेरा खुशियों का हो तेरा जाने जा। वेलकम फर्नीचर जामतुल सवालात के बिल्कुल सामने कमाल कॉम्प्लेक्स मालेगांव। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे दुनिया में रमजानुल मुबारक का जो महीना अल्लाह ताला ने अता किया उम्मत मुस्लिमा को, हर एक अपने अपने तरीके से रोज़ा नमाज ज़कात तरावी अपनी इबादत में लगा हुआ है। हमारे भारत देश में भी रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान के साथ गुजर रहा है। दिल्ली में एक वाकया हुआ, खरगोन में एक हादसा हुआ जिसका पूरी दुनिया में अफसोस जाहिर किया जा रहा है और भारत में भी लोगों ने अफसोस जाहिर किया। यहाँ तक कि दिल्ली के 105 कर्मचारियों ने भी पीएम को लेटर लिख करके कि मुसलमानों के ऊपर इस जंग से जो हो रहा है उसको बंद होना चाहिए, ऐसा एक पत्र व्यवहार भी किया। और भारत देश जो हमारा एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क के होते हुए यहाँ पर हर मज़हब के मानने वाले लोगों को अपने मज़हब पे रहते हुए देश के कानून को मानते हुए अपना अधिकार है, अपना हक है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर और भारत देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, हमने इसके पहले भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहा कि भाई अजान और भोंगे का कुछ उसकी वजह से अगर महंगाई कम होती है तो ठीक है, रोज़ी रोज़गार मिलता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। और एक बी टीम या एक आलाय कार बन करके राज ठाकरे को इस्तेमाल सेंट्रल की हुकूमत जो है बरसर इक्तदार जो सेंट्रल के अंदर है बीजेपी वो कर रही है। पूरे महाराष्ट्र भर में आज दहशत का माहौल है इसको लेकर के, और भारत के अंदर 130 नागरिक जो है रहते हैं, 130 करोड़ जनता है। ये 130 करोड़ जनता को ये सब पता ही नहीं रहता, लेकिन चंद लोग हैं 200-300 लोग जो है जो फिरका वाराना माहौल पैदा करके वोट की सियासत करते हैं। आज अच्छा गैर मुस्लिम भाई भी हमारा जो है इसके ख़िलाफ़ है और सभी लोग अमन अमान के साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद करना कर रहे हैं और लोग बाकायदा इसके ख़िलाफ़ बोल भी रहे हैं। देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी से पहले से लेकर के आज तक मंदिरों से भजन की आवाज़, घंटों की आवाज़, मस्जिदों से अजान की आवाज़, गिरजाओं से उनके मज़हब की आवाज़ें, आज तक वो मामूल जो है हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब के ढंग से शुरू है। और 130 करोड़ जनता को भारत की उस आवाज़ के बिगैर होता भी नहीं है, वो आवाज़ जब तक वो सुनते नहीं है उनको सुकून नहीं मिलता। अब अगर राज ठाकरे साहब को उस आवाज़ से तकलीफ़ है, अजान से तकलीफ़ है, मंदिर के भजन और घंटों से तकलीफ़ है और गिरजाघरों से तकलीफ़ है, ट्रेन से तकलीफ़ है, प्लेन से तकलीफ़ है ना, देश की उन सब चीज़ों से उनको अगर तकलीफ़ है तो उन्होंने भारत देश छोड़ देना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट से, और हम बिलखसूस हमारी पार्टी के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल साहब से कहेंगे कि जो महाराष्ट्र का अमन अमान जो भी ख़राब कर रहा है इस तरीके से उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की आवाम भारत की आवाम अमन चाहती है।
और जिस तरीके से औरंगाबाद के अंदर इन्होंने 1 तारीख को जो मीटिंग लेने का परमिशन भी अगर दिया गया होगा तो उस परमिशन को रद्द करना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख को जो है वो ईद पूरे देश में हो सकती है, और ऐसे उसके पहले परमिशन देना और माहौल को ख़राब करना, ये अमन को और कायदा सुविधा को ख़तरा पहुंचाने के लाहक नज़र आता है और आवाम में भी बेचैनी है। इसको नोटिस लेते हुए तुरंत कैंसिल करना चाहिए। और हमारी बातचीत मालेगांव के एडिशनल एसपी साहब से हुई, हमने उनसे ये कहा कि भाई जहाँ जहाँ ईदगाह पे नमाज अदा होगी उसको अच्छा पुलिस बंदोबस्त देना चाहिए, उस ज़मीन को 2 दिन पहले डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के तई उसको चेक होना चाहिए, और पुलिस डिपार्टमेंट ने उस ज़मीनों को अपनी तहवील में 2-3 दिन लेना चाहिए, अपने प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। और ईद की नमाज के वक्त हर एक के ऊपर सख्ती से नज़र रखनी चाहिए ताकि ईद की नमाज जो है अमन अमान के साथ अदा की जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर की आवाम से और महाराष्ट्र की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि ईद की खुशियों में गौर गरीबों को याद रखे, फजूल खर्ची में ना पड़े, और जिस तरीके से हमने अखबारों के ज़रिए ये भी पढ़ा कि भाई 12 नवंबर के लोग जो है जेलों की सलाखों के पीछे है, इसलिए बैनर उनर ना लगाया जाए, तो उन हजरात से भी अपील करना चाहूँगा कि आप जो है अमल करें उसके ऊपर और बैनर ना लगाते हुए गरीबों के अंदर उसको खर्च करें और चुभन महसूस करें, अपने अंदर चुभन महसूस करें, और अफवाहों पर ध्यान ना दें, पुरसकून होकर के ईद मनाएं, अपने शहर में मनाएं, अपना वक्त फालतू गुजारी में ना लगाएं, और अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अमन अमान जो है बहाल रखें। ऐसी अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर की आवाम को और महाराष्ट्र की आवाम को देना चाहता हूँ।